नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको 10 करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछली डेट की करंट अफेयर साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 16 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो जयंती है वो निम्न में से जो है वो किस दिन मनाई जाती है। तो चार ऑप्शन है आपका, 14 अप्रैल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो जो B.R. अम्बेडकर है उनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो आप कह सकते हैं इसी दिन या इसी तारीख के आधार पर जो है वो मनाया जाता है। और जो B.R. अंबेडकर हैं उन्होंने कह सकते हैं ना सिर्फ संविधान का निर्माण किया था बल्कि देश की जो सबसे बड़ी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। चले बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अगला प्रश्न 2 है कि हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने COVID-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव जो है वो दिया है। तो चार ऑप्शन है, अमेरिका जो है आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, इसकी मदद से जो है वो वैक्सीन उपकरण इत्यादि जो है उसको शीघ्रता से जो है वो विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक जो गरीब देश हैं उसके 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो प्रदान की है ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। तो चार ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को जो है वो लॉन्च किया। तो चार ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, कोलैब कैड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये छात्रों को जो पूरा नेटवर्क है उसमें डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है। और ये भी कह सकते हैं जो समवर्ती तरीके हैं उससे भंडारण जिसको हम कहते हैं स्टोरेज और उसके साथ साथ विजुलाइजेशन के लिए समान प्रारूप का जो डेटा है उस तक पहुँच को जो है वो सुनिश्चित भी करता है। अगला प्रश्न 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF उसने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की GDP वृद्धि दर है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान जो है वो जताया है। तो चार ऑप्शन है, 1.9% जो है वो सही हो जाएगा। और IMF जो है उसने चीन की भी वृद्धि दर बताई है, उसका जो परसेंटेज है वो 1.2% जो है वो उसका अनुमान जो है वो बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 कि ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में जो चमगादड़ हैं उनकी 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटेस में कोरोना वायरस का जो है वो पता लगाया है। तो चार ऑप्शन है आपका, भारत जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7, फ्रांस जो है उसके राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने COVID-19 को लेकर जो लॉकडाउन है वो कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा जो है वो की है। तो फ्रांस में जो है ये 11 मई तक जो है आपका सही हो जाएगा, 11 मई तक जो है बढ़ाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इमैनुएल मैक्रो। तो ये जो चर्चा में लोग रहते हैं कहीं ना कहीं उन पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न 8 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की जो अमेरिकी धनराशि है उसको रोकने की घोषणा जो है वो की है। तो चार ऑप्शन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो सही हो जाएगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 9 कि विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिसीज डे निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल जो है आपका सही हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, जो पीड़ित और जो स्वास्थ्य लोग हैं उनमें जो है इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी साझा करना। अगला और लास्ट आपका प्रश्न है 10 कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त जो है वो किया गया है। तो चार ऑप्शन है, रघुराम राजन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी। पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति सुनीता कुशवाहा, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति लीला सेठ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है,
चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा पिछली करंट अफेयर के सही उत्तर की बात कर लेते हैं, तो पिछली करंट अफेयर का सही उत्तर है आपका सुचेता कृपलानी। तो पिछला जो करंट अफेयर का उत्तर था, लगभग सभी लोगों ने वहाँ पर उत्तर जो है वो बिल्कुल सही दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संबंध में वहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी जो है वो समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आपको करंट अफेयर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।